अगर भारत में सबसे ऊंचे मीनार को देखना हो तो चप्पड़चिड़ी चले जाओ, क्योंकि यह भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। दूसरे नंबर पर कुतुब मीनार आता है। यह मीनार बनाया गया है बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की तरफ से चप्पड़चिड़ी में लड़ी जंग की याद में। जिस दिन यह जंग हुई उस दिन को पूरी सिख कौम सरहंद फतेह दिवस के तौर पर याद करती है। और संगत जी, आज सरहंद फतेह दिवस भी है। मैं आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यह वह दिन था जिस दिन सरहंद पर जालिम राज को बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने गिराया था। 12 मई 1710 को बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने चप्पड़चिड़ी के मैदान में सरहंद के नवाब वजीर खान को मारकर सिख इतिहास को सुनहरी अक्षरों में लिख दिया था। 14 मई 1710 को बाबा बंदा सिंह जी ने सरहंद पर कब्जा करके सिख राज की स्थापना की। श्री गुरु नानक साहिब जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम का सिक्का जारी करके स्वतंत्र सिख राज कायम किया। छोटी सी सिख कौम को बाबा जी ने भारत के इतिहास के नक्शे पर ला दिया। अगर जंग की बात करें तो यह जंग इसलिए अहम मानी जाती है क्योंकि यह जंग तब हुई जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद कर दिया गया था और गुरु गोविंद सिंह जी खुद भी ज्योति ज्योत समा चुके थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी जाने से पहले कि गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरगद्दी देकर और सिख कौम को फिर जत्थेबंद करने के लिए सिखों की कमान बाबा बंदा सिंह बहादुर को सौंप कर गए। बैरागी माधोदास से बंदा सिंह बने उस महान जनरल ने गुरु जी का प्रोत्साहन लेकर पंजाब में सिखों को जत्थेबंद करने का चुनौतीपूर्ण कार्य आरंभ किया और उसमें सफलता भी हासिल की। बाबा बंदा सिंह समेत सारी सिख कौम का सबसे बड़ा मिशन सरहंद फतेह करना था, क्योंकि एक तो यहाँ छोटे साहबजादों की शहादत हुई, दूसरा यहाँ के शासक लोगों का खून चूस रहे थे जिनको सबक सिखाना लाजमी था। बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद पहुँचने से पहले जहाँ जहाँ भी जालिमों का राज था वहाँ से उन्होंने जुल्मी राजाओं को उतार कर खालसे का राज कायम करते गए, ताकि इसके बाद किसी भी मनुष्य को कोई परेशान न कर पाए। और इस तरह वह समाना सिडौरा, शाहबाद, गुड़ाम, ठसका और मुसिफाबाद के बाद सरहंद पहुँचे, जहाँ 12 मई 1710 को सरहंद के सूबेदार वजीर खान की फौज और बाबा बंदा सिंह बहादुर के बीच चप्पड़चिड़ी के मैदान में जंग हुई। इस जंग में बंदा सिंह बहादुर ने मिजे हुए सेनापति की तरह सूझबूझ दिखाई। उनकी इस बहादुरी की वजह से आज उनका नाम विश्व के चोटी के सेनापतियों की कतार में गिना जाता है। चप्पड़चिड़ी के मैदान में वजीर खान की फौजों को नून की खानी पड़ी और वजीर खान को इस जंग में अपनी जान गंवानी पड़ी। वजीर खान का छोटा पुत्र और उसका जमाई भी लड़ाई में मारे गए। इस तरह सिखों ने सरहंद जीती और 14 मई को सिख विजेताओं की शक्ल में सरहंद में दाखिल हुए। यह सिख इतिहास की सबसे अहम लड़ाई थी जो चप्पड़चिड़ी की मैदान में लड़ी गई। वह जीत बाबा बंदा सिंह बहादुर के लिए सबसे अहम जीत थी। इसके बाद बंदा सिंह ने छोटे साहिबजादों की शहादत वाली जगह पर यादगार बनाई और आज उसी जंग की याद में मोहाली के चप्पड़चिड़ी स्थान पर फतेह बुर्ज नामी यादगार बनाई गई है, जहां पर बाबा बंदा सिंह समेत कई योद्धों के बुत स्थापित किए गए हैं। मैं जंग में शहीद हुए तमाम शहीदों को प्रणाम करती हूं और एक बार फिर मैं इस दिन की आप सभी को बधाई देती हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।